डिगे स्टूडेंट्स वेलकम टू द एच डी बी कंप्यूटर एजुकेशन स्टूडेंट्स आज की इस वीडियो में हमें बेसिक वेब एप्लीकेशन का पार्ट थ्री कंटेंट करना है सो स्टूडेंट्स लास्ट क्लास में हमने क्या सीखा था लास्ट क्लास में हमने किसी भी एलिमेंट की जो एट्रीब्यूट होती है उसकी वैल्यू को प्रिंट करना सीखा था ओके okay? क्या सीखा था आपने एट्रीब्यूट की वैल्यू को प्रिंट करना तो सबसे पहले हम क्या करेंगे उसकी प्रैक्टिस करेंगे उसकी रिवीजन करेंगे देन उसके बाद हम आज के टॉपिक को कंटेन करेंगे ओके सो चलिए शुरू करते हैं अब जैसे कि यहाँ पे मैं क्या करता हूँ एक h1 वन एलिमेंट स्टार्ट करता हूँ ओके okay? कुछ इस तरह से और इसके अंदर मैं कुछ भी टेक्स्ट राइट कर देता हूँ जैसे मैंने यहाँ राइट कर दिया अमित ओके okay. अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा इस H1 के अंदर एक एट्रीब्यूट लगाऊँगा जिसका नाम क्या है अलाइंग एट्रीब्यूट ओके सो मैं यहाँ पे H1 के अंदर आता हूँ और यहाँ पे अलाइंग एट्रीब्यूट लगा के इसकी जो वैल्यू है वो मैं यहाँ पे सेंटर पास कर देता हूँ ओके सेव कर लेता हूँ और अब मेरे को क्या करना है जो ये एच है और इसके अंदर जो मैंने अलाइंग एट्रीब्यूट लगाया है इसकी जो वैल्यू है मैं इसको प्रिंट करवाना चाहता हूँ जावा के माध्यम से सो so, वो होगा कैसे जरा वो देखिए और मैं ये भी चाहता हूँ कि ये वैल्यू सेंटर वैल्यू तब प्रिंट हो जब एक बटन पे क्लिक हो तो मैं यहाँ पे एक बटन बना लेता हूँ सबसे पहले ठीक है और यहाँ पे लिखता हूँ क्लिक ओके सेव कर लेते हैं और आ जाइए अब स्क्रिप्ट के अंदर अब जावा स्क्रिप्ट की कोडिंग हमें करनी है अब जो है देखिए मैं क्या चाहता हूँ जब बटन पे क्लिक हो तभी ये वैल्यू इस एट्रीब्यूट की वैल्यू प्रिंट हो तो उसके लिए क्या करना होगा हमें फंक्शन को क्रिएट करना होगा ठीक है सो मैंने यहाँ पे फंक्शन बनाया डेमो के नाम से ठीक है इसके बाद कर ली ब्रैकेट ओपन और क्लोज़ कर लिया अब इसके अंदर हम क्या करेंगे जितनी भी इंस्ट्रक्शन हमें लिखनी होगी वो सभी इंस्ट्रक्शन को हम यहाँ पे लिखेंगे ओके सो so, सबसे पहले आप यहाँ पे क्या करिए एक वेरिएबल बना लीजिए एक्स के नाम से किसी भी नाम से और इसके अंदर आपको किसको स्टोर करके रखना होगा इस एच को क्यों एच को रखोगे क्योंकि हमें एच के अंदर से ही इस वैल्यू को निकालना है ठीक है सो so, हमें क्या करना होगा एच वन को सेलेक्ट करना होगा सेलेक्ट करने के लिए आपको एच वन के अंदर आई डी एट्रीब्यूट लगाना होगा क्योंकि आप जावा स्क्रिप्ट के अंदर आई डी के माध्यम से ही एलिमेंट को सेलेक्ट करते हो सो so, मैं यहाँ पे आई डी डाल देता हूँ डेमो के नाम से ही आई डी भी डाल देता हूँ ठीक है और यहाँ पे इस एच वन को सेलेक्ट कर लेता हूँ कैसे सेलेक्ट करेंगे डॉक्यूमेंट डॉट केट एलिमेंट बाय आई मेथड के माध्यम से ठीक है और यहाँ पे मैं क्या करूँगा इस पैरेंथिस के अंदर जो आई की वैल्यू होगी उसे यहाँ पे टाइप कर दूँगा अब इतना लिखने का मतलब क्या हुआ कि जो हमारा एच वन है वो क्या हो गया है सेलेक्ट होके इस एक्स के अंदर आ गया है ठीक है मेरे को क्या करना है इस एच वन का अलाइंग निकालना है अलाइं की जो वैल्यू है उसको निकालना है तो हमें क्या करना होगा इसी के आगे डॉट ऑपरेटर दे करके इसमें अलाइंग को पास करना होगा ठीक है सो यहाँ पे अलाइंक पास करने का मतलब ये है कि इस एक्स के अंदर आपके जो अलाइं की वैल्यू होगी वो आ गई होगी अब आप इस एक्स को जहाँ प्रिंट करोगे सो आपको क्या प्रिंट होगा इस एच वन के अंदर जो अलाइंग एट्रीब्यूट है इसकी वैल्यू प्रिंट हो जाएगी सो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ विंडो डॉट अलर्ट के माध्यम से इस एक्स को प्रिंट करवाता हूँ ठीक है कुछ इस तरह से अगर अभी मैं इसे सेव करके रन करूँ तो क्या यह रन होगा नहीं होगा क्यों क्योंकि आपने अभी इसके जो डेमो फंक्शन है इसको कॉल नहीं किया है तो आइए इस बटन पे इस डेमो फंक्शन को हम कॉल कर लेते हैं सो मैं यहाँ पे ऑन क्लिक के माध्यम से ऑन क्लिक माउस इवेंट के माध्यम से यहाँ पे मैं डेमो फंक्शन को कॉल कर लेता हूँ कुछ इस तरह से अब हम इसे सेव करते हैं और इसे रन करके टेस्ट करते हैं सो so स्टूडेंट्स यहाँ देखिए यहाँ पे जो हमारी फ़ाइल थी वो रन हो चुकी है ये देखिए मैं इसे रिलोड करता हूँ देखिए यहाँ पे आ गया अब देखिए जैसे ही मैं इस बटन पे क्लिक करूँगा वैसे ही इसके अंदर का लगा हुआ जो एट्रीब्यूट की वैल्यू है वो यहाँ पर अलर्ट हो जाएगी देखो मैंने यहाँ पर क्लिक किया तो क्या हुआ यहाँ पे देखो सेंटर अलर्ट हो गया ठीक है मीन्स इसके जो अलाइन एट्रीब्यूट की वैल्यू क्या थी सेंटर थी और वो यहाँ पे प्रिंट हो गई ठीक है सो so ये बात आपको पता चल गई कि किस तरह से आप किसी भी एलिमेंट के एट्रीब्यूट की वैल्यू को आप प्रिंट करवा सकते हो ओके अब जो है सीखेंगे कि फॉर्म के अंदर जो इनपुट बॉक्स होता है उसके अंदर यूज़र ने जो टाइप किया है उसको कैसे प्रिंट आउट करवाते हैं ठीक है तो आ जाइए जगह कोड में और यहाँ पे हम क्या करेंगे सिंपल से ये बटन को ऐसे ही रहने देता हूँ मैं और यहाँ पे क्या करता हूँ एक इनपुट बॉक्स को बनाता हूँ सो देखिए मैंने यहाँ पे इनपुट को स्टार्ट कर लिया और इसमें इनपुट टाइप टेक्स्ट डाल देता हूँ ओके और इसको सेलेक्ट करने के लिए इस इनपुट को सेलेक्ट करवाने के लिए मैं क्या करूँगा इस इनपुट में एक आई लगा दूंगा सो so, मैं यहाँ पे आई भी लगा देता हूँ डेमो के नाम से ही आई लगा देता हूँ ठीक है ताकि यहाँ पे मेरे को सेलेक्ट करने की जरूरत ना पड़े ऑलरेडी देखो पहले से सेलेक्टेड है डेमो ठीक है ये लाइन वगैरह जो है इसे मैं हटा देता हूँ अभी फ़िलहाल ठीक है ये भी रिमूव कर देता हूँ यहाँ से और सेव कर लेता हूँ अब देखिए होगा क्या यहाँ पे फिलहाल जब ये इनपुट है देखो पहले मैं क्या करता हूँ आपको सेव करके इसे रन करके दिखाता हूँ कि प्रिव्यू कैसा हो रहा है जरा ये देखिए कुछ इस तरह से प्रिव्यू हो रहा है अब यूज़र इसमें जो टाइप करेगा जैसे ये यूज़र ने टाइप किया और जब इस पर क्लिक करे तो क्या हो जो भी इसमें टाइप हो रखा है वो प्रिंट हो जाए तो ये कैसे होगा जरा वो देखिए जो भी आप यहाँ पर टाइप करते हो ये क्या बन जाता है ये यहाँ पर इनपुट एलिमेंट का वैल्यू का वैल्यू बन जाता है वैल्यू का वैल्यू बनने का मतलब इस इनपुट के अंदर एक वैल्यू एट्रीब्यूट होता है ठीक है और जो भी आप उस इनपुट बॉक्स में टाइप करते हो वो इस एट्रीब्यूट की क्या बन जाती है वैल्यू बन जाती है इंटरनली ये सब काम होता है ये आपको दिखाई नहीं देगा कि किस तरह से इस एट्रीब्यूट इस वैल्यू एट्रीब्यूट की जो वैल्यू होगी वो क्या बन जाता है जो भी आप यहाँ पे टाइप करते हो ओके सो so, हमें क्या करना होगा इस फंक्शन को कॉल करवाते वक्त यहाँ पे हमें डॉट ऑपरेटर देना होगा और इसके अंदर के वैल्यू एट्रीब्यूट को एक्सेस करना होगा सो so, देखो मैंने यहाँ पे वैल्यू इस तरह से राइट कर दिया ठीक है अब अगर, अगर आप इसे विंडो डॉट अलर्ट के माध्यम से इसे प्रिंट करवाओगे किसे इस एक्स को ठीक है इस एक्स को तो होगा क्या कि जो भी आप इसके अंदर राइट करोगे इस इनपुट के अंदर वो आपका विंडो डॉट अलर्ट के माध्यम से प्रिंट हो जाएगा ठीक है चलिए जैसे इसकी टेस्टिंग देखते हैं वैसे भी देखिए क्लिक बटन पे ये डेमो फंक्शन कॉल हो ही रखा है सो मैं इसे सेव कर लेता हूँ और यहाँ से इसे रन करके टेस्ट करता हूँ सो देखो मैंने यहाँ पे ये टाइप किया क्लिक करता हूँ तो देखो जो मैंने यहाँ पे टाइप किया वो यहाँ पे आपका प्रिंट हो गया तो इससे ये भी साबित हो जाता है कि जो भी आप यहाँ पर टाइप करते हो वो वैल्यू एट्रीब्यूट की वैल्यू बन जाती है ठीक है सो आई थिंक आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी अब हमें एक और नई चीज़ सीखनी है कि इसके अंदर मैं क्या करूँगा एक इनपुट टाइप फ़ाइल को सेट करूँगा मीन्स मैं चाहता हूँ इसमें फाइल अपलोड करके जो फाइल सेलेक्ट हो उसकी वैल्यू मेरे को प्रिंट करनी है ठीक है अगर आप नहीं समझे तो एक बार और सुनिए मैं चाहता हूँ अपने वेब पेज में एक फ़ोटो को अपलोड करूँ ठीक है और जो फोटो अपलोड हो उसकी वैल्यू प्रिंट हो जाए ठीक है सो वो कैसे होगी जरा वो देखिए इनपुट टाइप यहाँ टेक्स्ट की जगह मैं कर देता हूँ फाइल क्या करूँगा इनपुट टाइप फाइल ठीक है आईडी डी यही देता हूँ डेमो और यहाँ पे एक और एट्रीब्यूट लगाता हूँ एक्सेप्ट ठीक है सो एक्सेप्ट में आप जो एक्सटेंशन नेम डालोगे वही एक्सटेंशन यहाँ पे एक्सेप्ट करेगा जैसे कि मैं यहाँ डाल देता हूँ डॉट पी ठीक है और अगर मैं यहाँ पे इसे सेव करूँ ओके तो क्या होगा जब यहाँ पे देखो यहाँ पे आ गया फ़ाइल अपलोड करने वाला ऑप्शन जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो होगा क्या मेरे को सिर्फ पी फ़ोटो को ही अपलोड करने की परमिशन होगी यहाँ देखो देख रहे हैं इरफान व्यू पी फाइल ऑनली ठीक है सो यहाँ पे पी एन जी फाइल ही सिर्फ मैं अपलोड कर सकता हूँ और दूसरी फाइल अपलोड नहीं कर सकता हूँ ओके सो so, चलिए अब हम इसे करके देखते हैं एक बात और ध्यान रखिएगा जहाँ पे आपकी ये वाली इंडेक्स डॉट एस टी एम एल फाइल होगी वहीं पे आपकी पी एन जी की जो इमेज है वो इमेज भी होनी चाहिए सो so, मैं क्या करता हूँ जहाँ पे मेरी इंडेक्स डॉट एस टी एम एल है वहीं पे एक पी एन जी इमेज को भी रख लेता हूँ ओके सो so, स्टूडेंट्स जो यहाँ देखिए ये रही मेरी इंडेक्स फाइल और ये रही एक फोटो ठीक है जिसका नाम है बी डॉट PNG, ठीक है सो मैंने यहाँ पे इसी के साथ में फ़ोटो रख ली है अब जरा यहाँ पे आइए ठीक है और इसे रिलोड करिए ठीक है थीके? और अब ज़रा कोडिंग में आइए आप और यहाँ पे हमें कोडिंग में देखो किस तरह से कोड करना है जरा वो देखो अभी हमने क्या किया यहाँ पे सेट किया इनपुट टाइप फाइल एक्सेप्ट में वैल्यू दे दी डॉट पी और इसमें आई क्या दे दी डेमो ठीक है अब यहाँ पर क्या होना चाहिए जरा वो देखिए जैसे ही इस फाइल पे क्लिक हो किस पे इस इनपुट बॉक्स पे क्लिक हो और उसके बाद इमेज सेलेक्ट हो जाए तो उस इमेज का हमें क्या चाहिए नेम चाहिए सो so, इमेज का जो नेम है वो क्या सेट होगा वो इसी इनपुट की वैल्यू ही सेट होगी तो यहाँ पे जैसे कि हमने लिखा है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आई डी डेमो तो डेमो में क्या सेलेक्ट हो गया यही इनपुट बॉक्स सेलेक्ट हो गया और वैल्यू में क्या सेलेक्ट हो गया होगा जब यहाँ पे जो हमने वैल्यू डाला है तो इस वैल्यू से क्या होगा इसके अंदर जो वैल्यू एट्रीब्यूट लगा होगा उसकी वैल्यू प्रिंट होगी ठीक है सो यही काम यहाँ पे भी करना है अब जरा इसको ना मैं यहाँ पे आपको करके दिखाता हूँ देखो मैंने यहाँ से फाइल को चूज़ किया डेस्कटॉप पे मेरी फाइल रखी हुई है सो देखो ये यदि बी इसको सेलेक्ट करता हूँ ओपन करता हूँ तो यहाँ देखो यहाँ पे ब्राउज़र के द्वारा यहाँ पे डिस्प्ले हो गया कि बी डॉट पी एन जी यहाँ पर आ चुकी है लेकिन मैं इसे प्रिंट करवाना चाहता हूँ विंडो डॉट अलर्ट में अलग पॉसिबिलिटी में तो ये कैसे होगा ठीक है अब जो देखो यहाँ पे बटन में माउस इवेंट लगा है ऑन क्लिक मीन्स जब मैं बटन पर क्लिक करूँ तब क्या हो इसकी वैल्यू आ जाए ठीक है जब इस बटन पे क्लिक हो तो ठीक है जरा एक बार इसे ट्राई करके देखते हैं क्या ये वर्क करता है या नहीं देखो अभी यहाँ पे वैल्यू आ चुकी है मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो देखो यहाँ पे इसका जो नेम है वो आ गया बी डॉट पी एन जी ठीक है और यहाँ पे देखो इसके आगे क्या आया है फेक पाथ आया है इसको कैसे रिमूव करते हैं वो हम अभी सीखेंगे ओके लेकिन अभी हमें थोड़ा सा एक नए माउस इवेंट पे काम करना है तो हम क्या करते हैं सबसे पहले इस बटन को यहाँ से रिमूव कर देते हैं ठीक है मैं चाहता हूँ बटन के ऊपर ये इवेंट कॉल ना हो ठीक है सो देखिए मैं क्या चाहता हूँ मैं चाहता हूँ जब इस पर क्लिक हो किस पे क्लिक हो इस चूज़ फाइल पे क्लिक हो और जैसे ही फाइल को सेलेक्ट कर लिया जाए जैसे कि यहाँ से फ़ाइल को सेलेक्ट कर लिया जाए और जैसे ही ओपन पे क्लिक किया जाए तो यहाँ पे फाइल का नाम भी आए और यहाँ पे विंडो डॉट अलर्ट भी हो ठीक है तो समझिए आप मैं चाहता हूँ इसी इनपुट पे ही क्लिक करने के बाद ही ये फंक्शन भी कॉल हो जाना चाहिए लेकिन ज़रा आपने एक बात नोटिस की कि इनपुट पे जब मैं फ़र्स्ट टाइम क्लिक करता हूँ तो क्या होता है फ़र्स्ट टाइम क्लिक होने पे एक डायलॉग बॉक्स ओपन होता है तो जब इसमें फ़र्स्ट टाइम क्लिक होने पे डायलॉग बॉक्स ओपन हो रहा है तो आप इसमें फ़र्स्ट क्लिक पे ऑन ये ऑन क्लिक को तो जैसे फर्स्ट क्लिक आपका हो रहा है तो आप फंक्शन को कॉल फर्स्ट क्लिक पे नहीं करवा सकते हो ठीक है जैसे कि देखो अगर मैं यहाँ पे ऑन क्लिक लिखूँ ऑन क्लिक पे अगर मैं इसका फंक्शन कॉल करवाऊँ तो मेरे को ये वैल्यू रिटर्न ही नहीं करेगा ठीक है अब जैसे कि देखो मैंने यहाँ पे क्या क्या डिफ़ाइन कर दिया यहाँ पे मैंने ऑन क्लिक डिफ़ाइन कर दिया मैंने ये डिफ़ाइन किया जैसे ही इस इनपुट पर क्लिक हो वैसे ही ये फंक्शन कॉल हो जाए ठीक है सो सोच देखो मैं इसे रिलोड करता हूँ एक बार और इस पर क्लिक करता हूँ तो देखो कुछ यहाँ पर आया फंक्शन तो कॉल हो गया लेकिन कुछ भी वैल्यू रिटर्न नहीं आई क्यों नहीं रिटर्न आए क्योंकि यहाँ पे कोई इसकी वैल्यू सेट ही नहीं थी मीन्स यहाँ पे कोई फाइल ही सेलेक्ट नहीं था तो इसके लिए आपको क्या करना होगा आपको एक नया माउस इवेंट पढ़ना होगा जिसका नाम है ऑन चेंज ठीक है ऑन चेंज कैसे वर्क करता है जरा वो ध्यान से समझिएगा ऑन चेंज क्या करता है सबसे पहले फर्स्ट क्लिक पे तो ये वर्क नहीं करेगा जब आप एक बार क्लिक कर लोगे और फाइल को चूज़ कर लोगे ठीक है और फिर ओपन पे क्लिक करोगे तब जा कर के ये आपका वर्क करेगा देख रहे हैं आप यहाँ पे जो भी मैंने अभी फ़ोटो सेलेक्ट करी थी वो यहाँ पे उसका नाम आ चुका है बी डॉट पी एन जी अब जरा जानते हैं कि यहाँ पे जो फेक पाथ आ रहा है ये क्यों फेक पाथ आ रहा है ठीक है ये जो फेक पाथ है ये आपका बता रहा है कि आपके सिस्टम में किस लोकेशन पे आपकी जो ये फाइल है वो रखी हुई है लेकिन ये जो ब्राउजर है आपकी एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बता सकता है क्योंकि कुछ सिक्योरिटी रीजन्स के वजह से इसीलिए हमें क्या करना होता है इस फेक पाथ को रिमूव करना होता है फेक पाथ को रिमूव करने के लिए आपको क्या करना होगा कुछ मेथड्स को आपको सीखना होगा एक मेथड है जिसका नाम है रिप्लेस मेथड ठीक है तो चलिए पहले उसको जानते हैं कि किस तरह से हम इस फेक पाथ को रिमूव करने वाले हैं ओके सो स्टूडेंट्स जो फेक पाथ आया था वो कहाँ पे आ रहा था आपके वैल्यू एट्रीब्यूट के वैल्यू में आया था तो हमें क्या करना होगा इसी वैल्यू के बाद आप क्या करो डॉट ऑपरेटर लगाओ और यहाँ पे आप रिप्लेस ठीक है आप रिप्लेस मेथड का यूज़ करोगे कुछ इस तरह से और आप ब्रैकेट ओपन करो और ब्रैकेट क्लोज कर दो मीन्स पैरेंथिस आपको यहाँ पे इस तरह से लगाने हैं अब यहाँ पे रिप्लेस जब हमने लगा दिया मेथड अब हमें इसमें क्या करना होगा कुछ रेगुलर एक्सप्रेशन को राइट करना होगा रेगुलर एक्सप्रेशन क्या होती है रेगुलर एक्सप्रेशन आपके कुछ सिंबल्स होते हैं कुछ कैरेक्टर्स होते हैं जिनको कि आपको याद करना होगा ठीक है और ये देखिए ये हैं आपके रेगुलर एक्सप्रेशनस तो ये यह यहाँ पे आप देख सकते हैं कि, कि किस तरह से यहाँ पे रेगुलर एक्सप्रेशन राइट हो रखे हैं इसको आप याद कर लोगे क्योंकि इसको याद किया जाता है और इसका यूज़ सिर्फ इतना है कि आप इसको जो फेक पाथ आ रहा है इस वैल्यू के अंदर इसको रिमूव कर सकते हो इसका यूज़ यही होता है कि किसी भी कंटेंट के अंदर से जो फेक पाथ निकल रहा है या फिर किसी भी पर्टिकुलर वर्ड को रिमूव करने के लिए हम इस रिप्लेस मेथड का यूज़ करते हैं ठीक है अगर अभी मैं इसे सेव करूँ और रन करूं यहां पे तो जो हमारे पास पहले फेक पाथ आ रहा था वो फेक पाथ नहीं आएगा फिर क्या आएगा हमारे पास जो हमने फाइल का नेम अपलोड किया था सिर्फ वही फ़ाइल नेम हमारे पास आएगा ओके सो देखिए मैं क्या करता हूँ इस पर अगेन चूज़ फाइल पे क्लिक करता हूँ और यहाँ से कोई भी फोटो को सेलेक्ट कर लेता हूँ सो यहाँ देखिए ये यह बी वाली फ़ोटो है या फिर लोगो वाली फ़ोटो कोई भी हम अपलोड कर सकते हैं तो मैं इसको एक बार सेलेक्ट कर लेता हूँ ओपन पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ देखो मेरे पास अलर्ट में आ गया लोगो डॉट PNG, एन जी ओके और यहाँ पर देखो लोगो डॉट पी आ गया इस बार फेक पाथ वहाँ पे रिप्रेजेंट नहीं हुआ ठीक है सो अब आप क्या करो अच्छे से इस रेगुलर एक्सप्रेशन को आप राइट कर लो यहाँ पे और इसे याद कर लो ठीक है सो आई थिंक समझ में आ गया होगा आपको किस तरह से आप ऑन चेंज का यूज़ करोगे क्योंकि आज की इस वीडियो में हमने दो नई चीज़ सीखी है पहली ऑन चेंज दूसरा रिप्लेस फंक्शन रिप्लेस मैथड ठीक है अगर आपसे कोई पूछे कि ऑन चेंज इवेंट का यूज़ हम कब करते हैं तो आप बताओगे ऑन चेंज का यूज़ हम जब करते हैं जब आपका ऑन क्लिक पे मीन्स फर्स्ट क्लिक पे हमें रिज़ल्ट नहीं चाहिए होता है मीन्स हमें सेकेंड क्लिक पे रिज़ल्ट चाहिए होता है सेकेंड क्लिक पे, ठीक है मीन्स दूसरा क्लिक जैसे कि आप उसे ये भी एग्जांपल दे सकते हैं कि जैसे कि मेरे को कोई फाइल अपलोड करनी है तो जब हम फर्स्ट क्लिक करते हैं तो फाइल का अपलोड करने वाला डायलॉग्स ओपन होता है फिर उसमें से हम फाइल को चूज़ करते हैं जब हम उस फ़ाइल को ओपन करते हैं तब ऑन चेंज ऑन चेंज जो माउस इवेंट है वो ट्रिगर होता है ठीक है सो ऑन चेंज कब आपका ट्रिगर होगा जब आप अपनी फ़ाइल को सेलेक्ट कर लोगे ना कि ऑन क्लिक पे ऑन क्लिक अगर आप यहाँ लिख लोगे तो क्या होगा ऑन क्लिक जब आप दा, सीधा डाल ही दोगे तो जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे तो इस एक्स के अंदर तो कोई वैल्यू स्टोर ही नहीं होगी तो क्या आपको अलर्ट करेगा एकदम ब्लैंक रिटर्न करेगा आपको ठीक है जो विंडो डॉट अलर्ट है लेकिन अगर आप ऑन चेंज पे इसको कॉल करोगे मीन्स ऑन चेंज पे अगर आप इस फंक्शन को कॉल करोगे तो होगा क्या सबसे पहले आपकी जो फाइल है वो सेलेक्ट हो जाएगी और फिर जब आप उस फाइल को ओपन करोगे तब ये ऑन चेंज जो फंक्शन है ये वर्क कर पाएगा ठीक है सो आई थिंक आपको सही से समझ में आ गया होगा इसके साथ आपको कुछ एडवांस टास्क जाएंगे तो उसको कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करिएगा दिमाग लगाइएगा अगर नहीं होता है तभी जाके आप उसके कोड को एडिट करके एक बार देख लीजिएगा ओके लेकिन पहले आप अपनी पूरी कोशिश करिएगा कि उसे बनाने की ठीक है सो so, आपसे मैं उम्मीद करता हूँ कि वो टास्क जल्दी ही बन जाएगा ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी ओके okay? सो so, इसके आगे की वीडियो को हम इसके नेक्स्ट पार्ट में कंटेन करेंगे सो थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो हैव अ नाइस डे